भारत अंग्रेज छोड़ने पर विवश, कहां शुरू करना है? आजाद हिंद फौज का संघर्ष। आजाद हिंद फौज का जब हम नाम लेते हैं तो किसका नाम आया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का। चलिए देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने हार्वर्ड ब्लास्ट नामक एक युग का संगठन प्रारंभ किया। ठीक, परिणाम क्या हुआ? इनको बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक ना, संगठन बना रहे हैं, किसको परेशान करेंगे? अंग्रेज को। इनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद कुछ दिन को छोड़ दिया गया। इनके घर में इनको नजर बंद कर दिया गया। ठीक, लेकिन हुआ क्या, 1943 में चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से कहां पहुंच गए? जापान पहुंच गए। अब वहां जर्मनी और जापान की सहायता से क्या किए? आजाद हिंद फौज का गठन किए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में गठन कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा 50,000 सैनिक को बंदी बना लिया गया। जो सैनिक बंदी बनाए गए थे उन्होंने स्वतः क्या किए? आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। ठीक है, अब शामिल हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें इस संगठन में आम नागरिक को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। इस फौज में स्त्री को शामिल करने के लिए एक नया दल बनाया गया, उसका क्या नाम था? झांसी रानी रेजिमेंट बनाया गया महिलाओं के लिए। इतना सब हुआ। आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे सुभाष चंद्र बोस को नेता जी बोलते थे। क्या बोलते थे? नेता जी बोलते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक कहां हुआ है? जापान और जर्मनी में हुआ है। अब इस वहां गठन तैयार हो गया, इसका संदेश कहां पहुंचाना है? भारत। अब तो क्या हुआ, 4 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक कौन थे? आजाद हिंद फौज ने रेडियो पर बोला। ठीक, क्या बोले? रेडियो पर बोले, गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता की क्या है, आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। ठीक है, राष्ट्रपिता, भारत की इस मुक्ति के पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। वहां से कहा किए, रेडियो में प्रसारण किए कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, इस युद्ध में आप हमको क्या करिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरा अभिनंदन कीजिए और भारतवासियों को शामिल होने का आह्वान किया। अब गठन हो गया, संबोधन कर दिए, अब क्या करना है? कूच करना है। ठीक ना, अब यहां संबोधन करिए, फिर एक नारा दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये नारा को देते हुए क्या किए, आजाद हिंद फौज अपने गठन को लेकर कहां पहुंचे? आजाद हिंद फौज रंगून होते हुए कहां है? दिल्ली पर कूच किए। कौन सा नारा देकर? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद देखिए, आजाद हिंद फौज म्यांमार बर्मा लड़ते हुए अंग्रेजों से आई, कहां तक? म्यांमार तक आई। ठीक, लेकिन हुआ क्या, फिर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में जापान की पराजय हो गई। यहां से युद्ध की स्थिति क्या हो गई, बदल गई। उसके बाद आजाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद जो ये हमारे सैनिक थे जो यहाँ शामिल हुए थे, दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन जो ये संघर्ष हुआ था, ये संघर्ष बहुत आगे बढ़ चुका था, अब अंग्रेज इसको रोक नहीं सकते थे। फिर हुआ क्या, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, सैनिक ने विद्रोह कर दिया। 1946 में क्या हुआ, अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसेना ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। इतना जबरदस्त विद्रोह को देखते हुए अंग्रेज को लगने लगा कि अब इसको हम ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज अपने को कमजोर महसूस करने लगे। इंग्लैंड में
मजदूर दल की सरकार ने समर्थन कर दिया कि हम भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। ठीक, इतना हो गया। चलिए फिर क्या हुआ, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। जुलाई 1945 में ब्रिटेन संसद का चुनाव हुआ जिसमें मजदूर दल की सरकार बनी। प्रधानमंत्री कौन बना, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इन्होंने पहले समर्थन किया था भारत को हम आजाद कराएंगे, उसके लिए उन्होंने अपने संसद में भारतीय नेताओं के बीच विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई 1946 में। इस समिति का नाम था कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन में विचार विमर्श हुए, उसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पहला महत्वपूर्ण निर्णय क्या था, भारत में एक अंतरिम सरकार होगी जिसमें भारतीय राज्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दल होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, इसका समर्थन प्राप्त हो। दूसरा क्या, भारत का नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इन प्रस्तावों के आधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान आयोग को तैयार करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, आज यही एक चैप्टर हमारा समाप्त करते हैं। जय हिंद।